इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के कई डीएम का तबादला कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों के जो जिला अधिकारी थे उनका तबादला हुआ है। बिहार में जो डीएम थे उनका तबादला हुआ है, बड़े पैमाने पर यह तबादला हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में तकरीबन जो है कई जिलों के डीएम को बदल दिया गया, कई जो कमिश्नरी है उनके कमिश्नर को बदला गया है, कई विभाग के आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, सचिव लेवल के अधिकारियों का तबादला किया गया, बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला है। बड़ी खबर बिहार जो सीधे तौर पर सचिवालय से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कई सचिव लेवल के जो अधिकारी है उनका तबादला किया गया है। आपको बता दें कि जो लिस्ट हमारे पास है उसमें जो नाम शामिल है उसमें बताया जा रहा है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है बिहार सरकार के। इसमें सबसे पहला नाम भोजपुर के जिला अधिकारी है, भोजपुर के जो डीएम है श्री राजकुमार जो भोजपुर आरा के जिला अधिकारी थे, उनको अगले आदेश तक उनका ट्रांसफर करते हुए पटना भेज दिया गया है। पटना में कंफेड में उनको भेज दिया गया है, प्रबंध निदेशक के पद पर इनको भेज दिया गया। दूसरे डीएम के तौर पर हैं पंकज कुमार, ये जिला अधिकारी शिवहर के थे, इनका ट्रांसफर करके पटना बुला लिया गया है। इनको अगले आदेश तक निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग में इनको भेज दिया गया है। ये सीधे तौर पर शिवहर के जिला अधिकारी थे, इनका तबादला किया गया है। मोहम्मद नैयर इकबाल, ये खान निदेशक खान जो है वो निदेशक थे खान बिहार पटना को अंतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग भेज दिया गया है। इनकी जो आईएएस अधिकारी हैं ये निदेशक थे खान अनुभूतत्व विभाग में, खान विभाग में थे बेसिकली, अब इनको यहाँ से ट्रांसफर करते हुए जो है वो खाद्य और उपभोक्ता भेज दिया गया है। राकेश कुमार जिला अधिकारी जमुई का ट्रांसफर कर दिया गया है, इनको चकबंदी बिहार पटना को भेज दिया गया है, ये निदेशक बनाए गए हैं चकबंदी में, ये जमुई के जिला अधिकारी हुआ करते थे राकेश कुमार, इनका तबादला किया गया। मिथिलेश मिश्रा को सीधे तौर पर लखीसराय का डीएम बनाया गया है, इनको मिथिलेश मिश्रा सीधे तौर पर पटना में थे निदेशक थे मध्यान्ह भोजन को, इनको अभी लखीसराय का जिला अधिकारी भेज बनाया गया है। सीधे तौर पर जो खबर है वो निकल के सामने आ रही है। नवीन कुमार जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, इनको रोहतास के ये जिला अधिकारी थे, रोहतास सासाराम के डीएम हुआ करते थे, इनका तबादला करके इनको राज्य परिवहन आयुक्त बना दिया गया है पटना में, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इनायत खान ये अररिया के जिला अधिकारी थे, इनको तबादला करते हुए इनका सीधे तौर पर तबादला कर दिया गया है। ये निबंधन सहयोग समिति पटना इनको भेज दिया गया है, जबकि सुनील कुमार यादव ये अपर सचिव थे नगर विकास आवास विभाग में, इनका ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव श्रम संसाधन विभाग भेज दिया गया है। बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। जोगेंद्र सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, ये समस्तीपुर का डीएम हुआ करते थे, इनका तबादला भी समस्तीपुर डीएम का तबादला कर दिया गया, इनको माध्यमिक शिक्षा में निदेशक बनाया गया है। आनंद शर्मा ये अपर सचिव अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग में थे, इनको अगले आदेश तक पंचायती राज विभाग भेज दिया गया निदेशक बनाकर, आनंद शर्मा को सीधे तौर पर इनका तबादला किया गया है। इनके जगह पर हिमांशु कुमार को जो निदेशक पंचायती राज थे इनको अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। जितेंद्र कुमार गुप्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये प्रतीक्षा कर रहे थे, वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे, इनका तबादला कर दिया गया, इनको संयुक्त सचिव बना दिया गया है योजना परिषद का। डॉक्टर विद्यानंद सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये थे उप निदेशक पंचायती राज विभाग में थे, इनका ट्रांसफर करते हुए निदेशक अर्थ सांख्यिकी योजना विकास विभाग भेज दिया गया है। श्रीमती उदिता सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थी, ये बंदोबस्ती पदाधिकारी नालंदा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक रोहतास सासाराम का जिला अधिकारी इनको डीएम बना दिया गया है। रोहतास के जिला अधिकारी के तौर पर उदिता सिंह को जगह दी गई है, उदिता सिंह अब रोहतास सासाराम की नई डीएम बनी हुई है। रोशन कुमार कुशवाहा को बेगूसराय के जो जिला अधिकारी थे इनका तबादला करके समस्तीपुर के डीएम बना दिया गया है। रोशन कुशवाहा को बेगूसराय से भेज तबादला करके इनको समस्तीपुर का डीएम बना दिया गया है। संजय कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, इंतजार कर रहे थे परीक्षा में, वेटिंग में थे, वेटिंग पे पोस्टिंग के इंतजार में थे, अब इनको सीधे तौर पे जो है सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भेज दिया गया है। कुमार मंगलम नगर आयुक्त नगर निगम कटिहार को ट्रांसफर करके अब अगले पूर्णिया का जो है नगर निगम नगर आयुक्त बना दिया गया है। नगर निगम के जो आयुक्त है कटिहार के उनका तबादला करके पूर्णिया का नगर आयुक्त बना दिया गया है। जबकि अतुल कुमार वर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा के उप विकास आयुक्त थे, इनको शिवहर को ट्रांसफर करके
अगले आदेश तक प्रशासक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना में पदस्थापना कर दी गई है। श्रीमती जय प्रियदर्शनी शेखपुरा का तबादला करते हुए शेखपुरा के डीएम हुआ करती थी, जय प्रियदर्शनी का तबादला करते हुए अगले आदेश तक निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप राजस्व भूमि सुधार विभाग में तबादला कर दिया गया है। तुषार सिंगला ये जिला अधिकारी हुआ करते थे किशनगंज का, इनका तबादला कर दिया गया। इनको बेगूसराय में जो है वो जिम्मेवारी दी गई है, बेगूसराय के डीएम नए डीएम बनाए गए हैं। तुषार सिंगला को किशनगंज से बेगूसराय भेजा गया है। तुषार सिंगला बेगूसराय के अब डीएम बनेंगे, इसके पहले वो किशनगंज में तैनात थे, अब इनकी तैनाती बेगूसराय में कर दी गई है। बेगूसराय के जो नए डीएम है वो तुषार सिंगला है, जबकि ये किशनगंज में डीएम हुआ करते थे, इनका तबादला कर दिया गया है। श्रीमती वर्षा सिंह ये जिला अधिकारी अरवल की थी, इनका तबादला करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग कर दिया गया है। विजय प्रकाश मीणा ये जिला अधिकारी मधेपुरा थे, इनका तबादला करके अगले आदेश तक निदेशक निशक्तता बिहार पटना के पदस्थापित किया गया है पद पर। तनय सुल्तानिया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर विकास आयुक्त थे, इनका तबादला करते हुए अगले आदेश तक समर्था जिला अधिकारी भोजपुर आरा बना दिया गया है। तनय सुल्तानिया को जिला अधिकारी भोजपुर बनाया गया, आरा भोजपुर के ये डीएम नए डीएम बनेंगे। तनय सुल्तानिया ये सीधे तौर पर जो है वो जिला उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को पटना से स्थानांतरित करते, पटना में यह तैनात है, और इनको सीधे तौर पे आरा और भोजपुर के जो जिला अधिकारी हैं उनका उनकी जिम्मेवारी इनको दी गई है। तो भोजपुर के जो नए डीएम होंगे वो अब तनय सुल्तानिया होंगे, जबकि तरनजोत सिंह को इनका तबादला करते हुए ये सीधे तौर पर पटना में तैनात है, इनका अब तबादला करते हुए मधेपुरा के डीएम बनाया गया है। सीधे तौर पर तरनजोत सिंह को पटना से डीएम बनाकर अब इनको मधेपुरा भेजा गया है। विशाल राज पटना में राज्य परिवहन आयुक्त हुआ करते थे, अब इनका तबादला करके इनको किशनगंज की जिम्मेवारी दी गई है, किशनगंज के डीएम बनाए गए हैं। सीधे तौर पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार के प्रशासनिक महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है, कई डीएम का तबादला किया गया। आरिफ अहसन जो है संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग में तैनात थे, अब इनको शेखपुरा का डीएम बना दिया गया है। शेखपुरा का डीएम आरिफ अहसन को बना दिया गया है, सीधे तौर पर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। विवेक रंजन मित्रे इनको सीधे तौर पर शिवहर के जिला अधिकारी बना दिया गया है, शिवहर का नए जिला अधिकारी विवेक रंजन मित्रे होंगे, जबकि कुमार गौरव को अब अरवल की जिम्मेवारी दी गई है। कुमार गौरव अरवल के डीएम बने हैं, अरवल के जो डीएम है वो कुमार गौरव बनाए गए हैं सीधे तौर पर। अनिल कुमार को अररिया का डीएम बनाया गया, अनिल कुमार परियोजना निदेशक बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी में थे, अब इनका तबादला करके इनको अररिया का डीएम बना दिया गया है। अनिल कुमार अब अररिया के डीएम बने हैं सीधे तौर पर। श्रीमती अभिलाषा शर्मा इनको जमुई की जिम्मेवारी दी गई है, अभिलाषा शर्मा को जमुई की डीएम बनाया गया, जमुई की जिलाधिकारी बनाई गई है। अभय कुमार झा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे, ये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना में थे, अब इनका तबादला करके अगले आदेश तक इनको बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड का पटना में पदस्थापना कर दी गई है। जबकि आशुतोष त्रिवेदी को पदस्थापना के इंतजार में थे, वेटिंग पर पोस्टिंग थे, इनको अब सीधे तौर पर संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग भेज दिया गया है। वैभव श्रीवास्तव वेटिंग फॉर पोस्टिंग के इंतजार में थे, ये पोस्टिंग के इंतजार में थे, इनको अब सूचना जनसंपर्क विभाग पटना भेज दिया गया है सीधे तौर पर। विनोद दोहन इनको खान भूतत्व विभाग भेज दिया गया है। अभिषेक रंजन का ट्रांसफर करते हुए इनको मत्स्य पशुपालन मत्स्य संसाधन विभाग भेज दिया गया है, जबकि शेखर आनंद इनका तबादला करते हुए तकनीकी विकास उद्योग विभाग भेज दिया गया है। निखिल धनराज इनको भेजा गया है अगले आदेश तक हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय उद्योग विभाग पटना में। नितिन कुमार सिंह इनका तबादला करते हुए कृषि विभाग भेज दिया गया। श्रीमती साहिला भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, इनको सीधे तौर पर तबादला करते हुए संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग पटना में पदस्थापना कर दी गई है। श्रीमती प्रतिभा रानी इनको अगले आदेश तक परियोजना निदेशक बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी पटना के पदस्थापित किया जाता है पद पर। समीर सौरभ उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद मोतिहारी को ट्रांसफर करते हुए इनको उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पटना के पद पर पदस्थापित किया जा रहा है। श्री कुमार अनुराग इनको अगले आदेश तक नगर आयुक्त गया के पद पर तैनात किया गया है। श्रीमती गुंजन सिंह अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग में तैनात किया गया है। मनोज कुमार IOFS अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को तबादला करते हुए इनको ग्रामीण कार्य विभाग भेज दिया गया है। इस प्रकार बिहार के कई IAS अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें कई जिलों के जो डीएम है
कई विभागों के जो निदेशक और उप विकास आयुक्त थे वो सभी लोग शामिल है। तो बड़े पैमाने पर बिहार में आईएएस अधिकारियों का जो तबादला है वो हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।